देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु पुष्टाशु वालिष्णे चायते वर्णशङ्कर यो माम जमनादि शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नान पंडितम गौदानम स्वाहा देगा इधर देखो सागी ये किताब है किताब का नाम श्वेताश्वर इसका पेज नंबर 231 है इसमें लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि अच्छा साक्षी चेता केवलो सुनो कहा के एको देवा अब जब इसका अर्थ आप निकालोगे कहा के लोगो इस जमीन आसमान चांद और सूरज को बनाने वाला एक है ही राय है ऐसा लगता है बद्रे मुनि ही राय हैं आज महफिल में पीरान पीराय हैं सुभान अल्लाह और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा आज मेहमान बनकर वो ख्वाजा पिया आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आए हैं आज महफिल में पीरा ने पीराए हैं फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले जुमला नौजवान बूढ़े बुजुर्ग बच्चों खास तौर से जुमला उलमाए किराम काबिले मुबारकबाद हैं फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस के जुमला अराकीन मैं सबों का नाम तो नहीं जानता बड़े भाई शायर अहले सुन्नत हजरत तहजीब रजा लखनवी उनकी दावत मोहब्बत कमेटी वालों की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ मोइनुद्दीन कादरी हाजिर आया जनाबे शायर अहले सुन्नत जनाबे गुफरान रजा साहब क़िबला पूर्णवी मुझसे पेशतर झारखंडी बाबा हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला से आप हजरात ने अच्छी गुफ्तगू समाअत किया उनसे पेशतर भी आप हजरात ने हजरत मौलाना मुजस्सम फानी सकाफी साहब से अच्छी गुफ्तगू समाअत किया होगा यहाँ जब आया तो पता चला मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अरमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुदसिया जो सैकड़ों तलबा के उस्ताद हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए जिनकी जूतियों को सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बनकर चमक रहे हैं ये उलमाए किराम मैं सबों का नाम तो नहीं जानता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ तहजीब भाई मैं किसी लालच में आया हूँगा गुफरान साहब किसी लालच में आए होंगे तहजीब भाई और झारखंडी बाबा साहब ये किसी लालच में आए होंगे लेकिन ये उलमा का आप चम्मे गफीर देख रहे हैं ये जो बैठे हैं ये किसी लालच में नहीं आए गए इनमें से कितनों को लिफाफा मिलेगा कितनों को नहीं मिलेगा लेकिन ये रात भर स्टेज की जीनत बनकर बैठे रहते हैं ये इसलिए आते हैं ये जानते हैं मैं किसी के बाप की महफिल में नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल में जा रहा हूँ
हिम्मत रखे, अपने आलिमों की कद्र करें। मोइनुद्दीन कादरी के चंद जुमले को आप बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, और आपने अगर सुन लिया अमल कर लिया मेरी बातों पे, मोइनुद्दीन कादरी का यकीन कहता है कल परसों तक नहीं कई परसों तक मेरी गुफ्तगू फायदा देगी, और दुनिया में भी वो बातें काम आएंगी, कब्र हश्र में भी वो बातें काम आएंगी। इसलिए बैठे रहे, ऐसे वक्त में आपका चेहरा खिला हुआ है साहिबो, ऐसे वक्त में बैठने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, ऐसे वक्त में बैठने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ऐसे वक्त में बैठने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है, ऐसे वक्त में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वो ऐसी महफिलों में आकर बैठा करते हैं। बड़ा अच्छा साउंड भी बज रहा है। एक तकरीर में बोल के आया हूँ डेढ़ पौने दो घंटे की आपके जलसे में। मैं भी किसी का लाल हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, लेकिन आपने अगर सुन लिया मोहब्बत के साथ, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत किया है जरा गौर से सुनना। तकरीर सुनने का मतलब होता है कुछ बातें यहाँ से सीख कर जाओ। माँ बहनों तुम भी सुनो, बूढ़ो बच्चों आप भी सुनो। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, आज की तकरीर में मैं जो बताऊंगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फातिर अस्समावाति वल अर्द, ऐ ज़मीनों आसमान के पैदा करने वाले, अंत वलिकी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन एक बात आप सच्ची बताना, तमहीदी कलिमात, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? क्या किसी चोर का अल्लाह दोस्त बनेगा? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। क्या किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती फरमाएगा? नहीं नहीं। क्या किसी जुआड़ी को अल्लाह अपना दोस्त बनाएगा? नहीं नहीं। अल्लाह दोस्त किसको बनाएगा? एक बुजुर्ग की बारगाह में आए हो, पीरा ने पीर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, साहिबो पांच खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो। कितनी खसलतें? ऊंचा बोले, पांच खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, तुम वो खुश नसीब होगे, रास्ते में चलोगे, जमीन पे रहोगे तो भी अल्लाह का दोस्त बनकर रहोगे, कब्र में जाओगे हश्र में उठोगे तो भी अल्लाह का दोस्त बनकर उठोगे। इसलिए अगर आपने समाप्त कर लिया मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू, आप समझ के सुनो। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हो, एक हाथ को हुसैनी हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जितने मर्द बैठे हैं इस वक्त बैठ कर जमाने वालों को बता दें, मुस्तफा का दीवाना सो जरूर सकता है लेकिन मरा नहीं है मुस्तफा का दीवाना। अपने हाथों को उठाएं, जितने लोग बैठे हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, मैं दुआ करता हूँ मौला, जितने लोग हाथों को उठा रहे हैं, मालिक कुछ दिखाना ना दिखाना लेकिन उसे गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। सारे लोग हाथों को उठाओ और लहरा कर, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद हो बोलो या रसूल अल्लाह। एक शेर एक शेर एक शेर मैं पढ़ता हूँ, स्टेज की इजाजत इजाजत है तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनना। नूरी नूरी वगा का समा है, नूरी नूरी वगा का समा है। अभी मेरे बाद मुशायरा भी होगा, बहुत सारे शोराए किराम तशरीफ फरमा है, लेकिन आप थोड़ी देर समाप्त कर लें। मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, बैग में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं निकालूंगा वरना फिर से बंद करके चला जाऊंगा, है ना। इसलिए अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ लेकर जाना चाहते हैं, आपको बोलना होगा, सुनना। नूरी नूरी वागा का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। ओ लोगो आज हमारी कौम को अल्लाह दौलत देता है, तो गौर से सुनना लोगो, जब हमारी कौम को अल्लाह दौलत देता है। आवाज समझ में आ रही है जी? आवाज मेरी क्लियर जा रही है? थोड़ा सा इसको कम करें, आवाज सिर्फ बढ़ा दें।
अच्छा अच्छा बजा रहे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज समझ में आनी चाहिए। आज हमारी कौम के पास जब दौलत आती है, हमारी कौम के लोग वो ताजमहल देखने जाते गए, लाल किला देखने जाते गए, बंगाल की खाड़ी देखने जाते गए, दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते गए। ओ साहिबो याद रखना, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलतमंद बनाया गए तो बंगाल की खाड़ी ना देखना, आप ताजमहल ना देखना, कुतुब मीनार ना देखना, लाल किला देखने ना जाना। ओ माँ बहनों, मैं तुझको भी पैगाम दूंगा, अल्लाह ने तेरे शौहर को अगर गरीब बनाया गए, तू नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में जिंदगी गुजार लेना, लेकिन सब्र कर लेना, अपने शौहरों से भेजा फरमाइश न करना। अगर अल्लाह ने गरीब बनाया तो सब्र कर लेना, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया तो तुम क्या करती हो, तुम तो सोने मांगती हो, तुम तो कंगन मांगती हो, तुम तो बालियां मांगती हो, तुम तो पाजेब मांगती हो, तुम तो बनारसी साड़ी मांगते हो, तुम तो सलवार और सूट कीमती मांगती हो। ओ मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से ये ना कहना हमें बनारसी साड़ी दे दे, हमें सलवार दे दे, सूट दे दे, कीमती कपड़े दे दे। ओ माँ बहनों, घर को सुधारने में तेरा बहुत बड़ा रोल है, अगर तू चाहेगी अपने घर को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना सकती है, अपने घर को जन्नत नुमा बना सकती है। ओ माँ बहनों सुनो सुनो, अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से ये ना कहना हमें ताजमहल घुमा लाओ, हमें लाल किला घुमा लाओ, हमें बंगाल की खाड़ी और दार्जिलिंग की हरियाली दिखा लाओ, ये ना कहना कंगन ना मांगना, पाजेब ना मांगना, चूड़ियां ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, बल्कि अगर शौहर अमीर हो, शौहर अगर तेरा मालदार हो, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज, शौहरे नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आप अगर सच्ची मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते गए, हमें आप बनारसी साड़ी ना दे, हमें आप कंगन पाजेब ना दे, हमें आप चूड़ियां ना दे, हमें आप ताजमहल ना दिखाए, हमें लाल किला ना दिखाए, कुतुब मीनार ना दिखाए, कश्मीर ना ले जाओ, लंदन ना ले जाओ, पेरिस ना ले जाओ, इंग्लैंड ना ले जाओ, न्यूजीलैंड ना ले जाओ। ओ मेरे शौकरे नामदार, हमें कुछ ना दिखाइए, अगर सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, कुछ ना दिखाना हमें, अगर दिखाइए तो मुस्तफा का रोजा दिखा दीजिए, मदीना शरीफ दिखा दीजिए, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीना होकर आता गए, फिर वो यही गुनगुनाता गए, अपनी जमीन को भूल जाता गए, मकान को भूल जाता गए, अपने घर बार को भूल जाता गए, और ये गुनगुनाता गए, नूरी नूरी वहां का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नूरी नूरी वहां का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिस पर, आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, नाज करता है काबा भी जिस पर, अरे वो मदीना है मेरे नबी का। सुने सुने मंत्र शुरू करूं, अरे मंत्र शुरू करूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खतीबों को भी देते हैं ये लोग, हां लेकिन पढ़ रहा हूं तब देते हैं, खतीब ही को देते हैं, अल्लाह सलामत रखे, ये आपकी बरकत है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी मंत्र बस 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 अब शुरू करें, लेकिन ये लोग बोलेंगे तब, हम जिद्दी चतुर्वेदी हैं, इसलिए कि जब तक बोलेंगे नहीं मोइनुद्दीन कादरी खोलेगा नहीं,
इसलिए अगर बोलेंगे तो ही मैं कुछ सुनाऊंगा, लेकिन आज की तकरीर को कई सालों तक आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह अगर आपने बोल दिया। जरा पूरा मजमा बोलना, मेरे नबी का नाज करता है काबा भी जिस पर वो मदीना है, मेरे नबी का एक देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्तु अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु पुष्टाशु वालिष्णे चायते वर्णशंकर यो मामजमनादि शबे तिलोक महेश्वरम असम्मूढा समर्तेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नाना पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशीचारतम पल्लवन स्वानम लम्नघीयम पुष्पपदम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्रारम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मास्तु कुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती हिरीलील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाप पुरीता लीज गच्छ दीन प्रकम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है बल्कि वो एक पंडित है, पंडित नामक है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो जब नबी की बात आती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आती है तो पंडित कहता गए शरणय गुरुनि मगा सुखे सागर अत्यरि चार मगा सुखे सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे सुखे नाम सुख सागर नाशे राय में प्रभे पाई नाशम गुरु की दया सुखे नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यर चार मारा सुख पावे। और जय गुरु नामे जय गुरु नामे नमे कर जय भे जय गुरु नामे नमे कर जय भे बिना मुहम्मद पार न होए भे जय गुरु नामे नमे कर जय भे बिना मुहम्मद पार न बिना मोहम्मद पार नहीं होए। अब ये मत समझिएगा कारी तहजीब साहब आपने जो सिलेक्शन किया था वो मुफ्ती साहब बुलाया था या पंडित जी बुलाया था, ऐसा होता है। एक जगह हम मंत्र पढ़े एक लड़का नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ए तुमने पंडित क्यों कहा रे, कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हम तो इतना किसी पंडित से भी नहीं सुने हैं। हमने कहा ओ सुनो सुनो मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूं, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूं, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूं और मैं तो मुस्तफा के नाम पे हर वक्त गुनगुनाने वाला हूं और ये अक्सर गुनगुनाता हूं। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हो जरा पूरा मजमा बोलना। ये देखे मेरे हाथ में गुंबद खदरा को तसव्वुर में बसाओ और छूम कर पूरा मजमा पढ़ो। हरा गुंबद जो देखोगे समाना पूरा मजमा बोलिए भूल जाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोलना है भूल जाओगे क्या बोलना है, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह और हाथों को उठा कर बोलना भूल जाओगे। ये मौलाना अकील किधर है, ये बहुत खतरनाक है। ये मेरे समय में ये जबलपुर में थे। हाँ 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 इसने मुझको क्या क्या नहीं सिखा दिया। हाँ
ये मौला है, अल्लाह सलामत रखे। सलाम घर यही है आपका? डांगोल, ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। ये सारे उलमा काबिले मुबारकबाद हैं। जरा पढ़ना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तहबा को जाओगे, अगर तहबा को जाओगे तो आना जाओगे, याद करके जाओ। लेकिन आज हालात बिगड़ गए, माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, जवानों आप भी याद करके जाओ। एक शेर ही अगर आपने याद कर लिया, जलसे में आने वालों अल्लाह का शुक्र है, तुम कव्वाली की महफिल में नहीं बैठे हो, वो मुकाबले वाली कव्वाली तुम उसकी महफिल में नहीं बैठे हो। मुबारकबादी के लायक हो आप अगर बैठे हो तो फिर मुस्तफा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हो। काबिले मुबारकबाद है यहाँ जलसा करवाने वाले, यहाँ से उठकर जाना, यही गुनगुनाते जाना। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, सिस्टम जानते कितना उल्टा हुआ है, सिस्टम इतना उल्टा हो गया है। पहले हमारे नौजवान मोबाइल में, अपने मोबाइल में गाना खुद सुनते थे तब गुनाह होता था, आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, खुद गाना नहीं सुनता है नौजवान, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है। एक लड़का को हमने अपने यहाँ के फोन लगाया, उसने कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए, हमने सोचा देखे आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा वो लोगों याद रखना, तूने अपने मोबाइल को किस चीज में सेलेक्ट किया गया, किस चीज के लिए खरीदा गया, यही मोबाइल के जरिए अगर तू चाहता अपने जन्नत के रास्ते को हमवार कर लेता, लेकिन तूने जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल ना किया, बल्कि तूने इस्तेमाल किया गए तो गाना सुनने के लिए। ओ साहिब वो पैगाम लेकर जाओ, तू तो गाना सुनता गए, तेरे घर में बरकत कहाँ से होगी, तू ताबीज लेने को दौड़ता गए, अगर घर में बरकत चाहिए। ओ लोगों कभी ये नहीं सोचा कि आपने जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट करके रखा गए, कभी सिर्फ दोस्त ही तो फोन नहीं लगाते होंगे, कभी हजरत तहजीब रजा लखनवी भी फोन लगाते होंगे, हजरत गुफरान साहब भी फोन लगाते होंगे, मौलाना अकील साहब भी फोन लगाते होंगे, यहाँ जो मदरसा चलता गए उस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद भी फोन लगाते होंगे। सच्ची बताना, कभी तेरी माँ भी तो फोन लगाती होगी, तेरी बहन भी फोन लगाती होगी, तेरी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी जो तूने गाना सेट करके रखा गया। ओ लोगों, आज के फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सच्ची नीयत करके यहाँ से उठो, कसम खाकर उठो कि कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि गुंबदे खजरा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपके मोबाइल में नाते मुस्तफा चल जाए, यकीनन याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। ये औरतें क्यों बिगड़ी है, ये औरतों जो बिगड़ी है, ये नौजवान ही सिर्फ नहीं है, हमारी माँ बहनों को भी आप देखिए, हमारे इलाके में औरतें जब बच्चा इसका नहीं सोता है, हाथ में बच्चे को लेती है और एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुँह में घुटूस, ये लोरी हमारे इलाके में गाती है। अब इधर भी कुछ ना कुछ सुरजा पूरी जबान में गाती होगी, लेकिन याद रखना माँ बहनों, तुम कहती हो मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बात नहीं मानता गए, कभी तुमने नहीं सोचा तू अगर चाहेगी अपने घर को जन्नत बना देगी। सुनो सुनो, औलाद के लिए
पहली तरसेगा माँ की गोद हुआ करती है, औलाद का पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। माँ अगर नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी पारसा होगी, माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। ओ माँ बहनों, तुम तो फौरन कह देती हो मेरा बेटा भाग गया, मेरी बेटी भाग गई। ओ घर से भागने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ, तू तो भाग जाता है घर से शादी के चक्कर में। ओ कौम की बेटियों, तू तो भाग जाती है लेकिन कभी तू ये नहीं सोचती है तेरी माँ कितने दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलती है, तेरा बाप दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकालता है, तुझे क्या पता है इज्जत बनाने कितनी बड़ी कितना वक्त लगता है इज्जत बनाने में। याद रखना, ओ घर से भाग कर शादियां करने वालों और शादियां करने वाली कौम की बेटियों, क्या समझते हो कि तुम वहां जाकर महल में रहोगे खुश रह जाओगे? अल्लाह की कसम कौम की बेटियों, अगर चे तू महल में भी रहेगी, अगर माँ घर में रोएगी, बाप अगर घर में रोएगा, वो कीमती महल भी तुझे काटने के लिए दौड़ेगी, वो बिल्डिंग तुझे काटने दौड़ेगी। अगर तू चांद दी गए झोपड़ी में भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा दे, भाग कर शादियां मत करो, माँ बाप जहाँ करवा दे उनकी मर्जी से शादी कर लो। झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी नमक रोटी में और झोपड़ी में अल्लाह ताला सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हाँ, लेकिन हालात बिगड़ गए, ये माँ बहनें गाती हैं अब भी लोरियां, ये कुरान नहीं पढ़ती। मैं कहना चाहूंगा एक और पैगाम लेकर जाओ, माँ बहनों आप भी सुनो, आप भी अपनी बेटियों को घर में जाकर पैगाम देना। ये जितने लोग आए गए, ये गाढ़ी कमाई लाकर अभी दे रहे थे, इनमें जितने लोग बैठे होंगे सारे के सारे तकरीबन 90% लोग मजदूर बैठे होंगे। ओ साहिबो, खून पसीने की कमाई करते हो, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि मजदूर चोरी करने वाला चोर तो नहीं है, चोरी तो नहीं करते हो। फख्र करो, फख्र करो, अगर कोई पूछे क्या करते हो। आज बेटे को शर्म आती है, बेटा कलेक्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा मास्टर बन गया। कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है, उसे अपने बाप का इंट्रोडक्शन कराने में शर्म आती है, बाप की पहचान करवाने में शर्म आती है। याद रखना, वही तेरा मजदूर बाप है जो रातों को नींद नहीं आई उन्हें थकन की वजह से, या नींद आई तो रात भर होश नहीं रहा। बदन की चमड़ी को जलाकर तब तुझे इंजीनियर बनाया गया, बदन की चमड़ी को जलाकर तब तुझे डॉक्टर और मास्टर बनाया गया। माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाए, माँ बाप की कदर करना मत छोड़ो, माँ बाप जब तक घर में रहेंगे तू राजा बन के जिंदगी गुजारेगा। सुनो सुनो लोगो, आज ये मेरी माँ बहने कहती है मेरा तेरी बेटी भाग रही है, मेरी बेटी बातें नहीं सुनती है। आज ये नौजवान कहता है मेरा बेटा मेरी बातें नहीं सुनता है। सुनो सुनो, तुम भी एक माँ हो, आप अपनी बेटियों को पैगाम दो कि ए मेरी बेटी तू भी तो बेटी है, ओ माँ तू भी तो माँ है। लेकिन सुनो सुनो, तुम कहती हो मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी आवारा हो गई, मेरी बेटी मेरी नाफरमानी करने लगी, फरमा बरदारी नहीं करती है। लेकिन तुमने कभी सोचा तू कैसी माँ है कि तेरा बेटा आवारा हो गया? तू कैसी माँ है, तेरी बेटी आवारा हो गई, बातें नहीं सुनती। एक माँ के बारे में सुनो, वो माँ कौन है? वो माँ गौसे आजम की माँ है, वो पीराने पीर की माँ है, वो रोशन जमीर की माँ है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की उम्र मुबारक सिर्फ 4 साल की है, सुनना प्यारे, सिर्फ 4 साल की उम्र है। वली कैसे होते गए, गौसे आजम कितने बड़े वली गए और वलियों के सरदार कहलाते गए, वो गौसे आजम है, उनकी माँ ने कैसी तरबियत किया था? सुनो सुनो, गौसे आजम की उम्र सिर्फ 4 साल है, अपने सीने पे कुरान रखते गए, कुराने करीम को सीने से लगाते गए, मदरसा पढ़ने निकल जाते गए, उस्ताद के यहाँ जाकर मदरसे में बैठते गए। उस्ताद ने फरमाया, ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि
من الشيطان الرجيم غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استاد نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا بیٹا عبد القادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین ابو غوث اعظم ہے سنو ماں نے تربیت کس طور پہ کیا ہے غوث اعظم چار سال کی عمر گئے ان کی ابو الحمدللہ سے شروع کرتے گئے پہلا پارا پڑھ دیا دوسرا پارا پڑھ دیا تیسرا پارا پڑھ دیا چوتھا پارا پڑھ دیا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پارے غوث اعظم نے زبانی سنا دیا استاد جی حیران ہو گئے کہنے لگے اے بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے استاد جی میں تو پڑھنے آیا ہوں اے بیٹا عبد القادر سچ سچ بتانا تو نے کس مدرس کے پاس پر تعلیم حاصل کیا تو کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا اتنا سننا تو غوث اعظم کا جواب سنو صرف چار سال کی عمر ہے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی سچائی یہ ہے میں کسی مدرسے میں نہ گیا کسی استاد کے پاس نہ گیا بیٹا یہ چودہ پارے کہاں یاد کر لیا سننا جواب غوث اعظم کا غوث اعظم نے فرمایا استاد جی یہ صحیح بات ہے میں کہیں اب تک مدرسہ تو نہ گیا کسی استاد کے پاس نہ گیا لیکن میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ تھی میری ماں کی عادت مبارکہ تھی صبح بیدار ہوتی تھی میری ماں جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی بستر لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی بستر جھاڑتی تھی قرآن پڑھتی تھی کہا کہ کیا ہوا پھر کہا کہ استاد جی میں ماں کے پیٹ کے اندر سے قرآن کو سنتا جاتا تھا اور عالم یہ ہوا جب میں پیدا ہوا تو سن سن کر چودہ پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ وہ بھی ایک ماں تھی لیکن تو کیسی ماں ہے سننا کہا ہے کسی نے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی اور ایک شعر سنو جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا سنیے گا آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی آپ کی ماں بھی اللہ والی ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ اور پیار سے پورا مجمع بولو یا رسول اللہ محبت کے ساتھ بولے جتنی آواز ہے جن کو نبی سے جتنی محبت ہے جھوم کر بولو سبحان اللہ او صاحبو ہم مسلمان ہیں اب سنو منتر کی طرف میں آتا ہوں سنیں گے ذرا بولو ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بتاؤ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ قوم ہے حضرت یہ قوم ہے یہ اپنی دولت بھی دیتی ہے کیا ہوا اچھا اچھا یہ ایک قوم ایسی ہے جو خون پسینے کی گاڑی کمائی بھی دیتی ہے اور اپنی قیمتی نیند کو بھی قربان کرتی ہے مصطفیٰ کے نام پر حضور کے نام پر کیونکہ ہم جانتے گئے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے سنو سنو صاحبو دیکھا میں نے جو منتر پڑھا گئے بغیر حوالہ کے معین الدین قادری ایک بات نہیں بولے گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب
हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। मैंने इसलिए पढ़ा है, लोग कहते हैं कि चतुर्वेदियों की क्या जरूरत है। सुनो प्यारे, आज हमारे नौजवान नस्लों को लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मुसलमान है, हमारा अकीदा ये है कि इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? जोर से बताओ, कौन है? आसमान को पैदा करने वाला, ऊंचा आसमान को पैदा करने वाला कौन है? चांद और सूरज को पैदा करने वाला कौन है? लाग है, ये हमारा अकीदा है। इस जमीन को बनाने वाला कोई है? आसमान को किसी ने बनाया है? चांद और सूरज को किसी ने बनाया है? ये जमीन अपने आप नहीं बन सकती है। लेकिन साकी वो सुनो सुनो, इधर देखो, एक कौम है, एक कौम तहरिया, जिसका कहना ये है, ये जमीन को किसी ने नहीं बनाया, आसमान को किसी ने नहीं बनाया, चांद और सूरज को किसी ने नहीं बनाया। अरे तहरिया की बात तो छोड़ो साकी, वो एक ये साइंस दा हजरत, वो जो हमारे बच्चे आज कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिसने जो साइंस का सब्जेक्ट जिसने लिया है, उनसे पूछिए, उनको कॉलेजों में पढ़ाया जाता, हमारे बच्चों को जो साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं उसे पढ़ाया जाता है, लोगों जमीन को किसी ने नहीं बनाया, आसमान को किसी ने नहीं बनाया, चांद और सूरज को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उनको पढ़ाया जाता है। साइंस कहती है एक धमाका हुआ, धमाका, और अपने आप धमाके के बाद ये जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, चांद और सूरज भी बन गए। लेकिन आप सच्ची बताना, क्या धमाके से कोई चीज बनती है? आपसे अगर मैं पूछूं, अमेरिका में धमाका हुआ तो देखा आपने, बनी बनाई बिल्डिंग धमाके बाद नेस्तो नाबूद हो गई, जमीन दोज हो गई। अमेरिका में धमाका हुआ, बनी बनाई बिल्डिंग उजड़ गई, और न्यूजीलैंड में धमाका हुआ, सारी चीजें तहस नहस हो गई, और फिलिस्तीन में धमाका हुआ, बनी बनी बिल्डिंगें उछड़ गई, हिंदुस्तान में धमाका हो, बिल्डिंग बनी बनाई उछड़ गई। लेकिन साहिबो पता क्या चला, धमाके से कोई चीज बनती नहीं गए, बल्कि बनी हुई चीजें बिगड़ जाती है। धमाके से चीजें बनती नहीं है, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। आप कहोगे वो कैसे? ओ साकी वो सुनो सुनो, लेकिन आज ये साइंस का कहना है, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि सुनो सुनो, जो ये धमाके के बाद ये जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, लेकिन हमारा अकीदा है इस जमीन को बनाने वाला कोई है, आसमान को बनाने वाला कोई है, चांद और सूरज को बनाने वाला कोई है, और वो ये देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर है। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा, हवाला के साथ बोलेगा, इधर देखो साकी, ये किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर, इसका पेज नंबर 231 है, इसमें लिखा गया, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि अच्छा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। सुनो, कहा के एको देवा, अब जब इसका अर्थ आप निकालोगे, कहा के लोगो, इस जमीन आसमान चांद और सूरज को बनाने वाला एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको जिंदगी देता है, वही सबको मौत भी देता है। ओ साकी वो सुनो सुनो, और वो अल्लाह है, हम तो कहते हैं वो कौन है? अल्लाह है, हमारा कुरान कहता है वो अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा बताओ और शहादत की उंगली को उठाकर, वो अल्लाह, और झूम कर बताओ वो अल्लाह, इतनी जोर से बोलो उंगली उठाकर, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये चरिंद परिंदा इधर के गवाह हो जाए, ये लाइटिंग गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये जमीन कयामत के दिन गवाही दे देगी तो याद रखना, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। पूरा मजमा बताओ अल्लाह, और झूम कर बताओ अल्लाह
एक है। याद रखना प्यारे, ये देखकर मेरे हाथ में आज लोगों के जहन को बरगलाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जमीन अपने आप बन गई। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में भी यही मसला चला था। कुछ लोग कह रहे थे ये जमीन अपने आप बन गई, एक मुनाजरा तय हो गया, मुनाजिर तैयार है, तहरिया की तरफ से मुनाजरा का वक्त मुतय्यन हो गया। इमाम आजम ने फरमाया फला मैदान में रखा जाए और मुनाजरा रखा जाए, मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुनना सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा गए, वो जैसे ही पहुंचते गए, पहुंचने में ताखीर हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा जब उस जगह पहुंचे, वो तहरिया बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा था और कह रहा था ओ लोगों याद रखना, वो मौलाना भाग गया, वो मौलाना भाग गया, वो जवाब नहीं दे पाया, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, वो साबित नहीं कर पाया कि जमीन का बनाने वाला कोई है, आसमान का बनाने वाला कोई है। जब वो तहरिया मजमा के अंदर ढींगे मार रहा था, उधर से इमाम आजम अबू हनीफा की जात नमूदार हुई। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए और फरमाने लगे ओ दहरिया मैं आ चुका हूं। कहा कि इमाम आजम से दहरिया ने मौलाना अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म है। अब जो बात है, जो टाइम पे मुनाजरा तय हुआ था वो टाइम गुजर चुका, अब हमारी जीत हो चुकी है, अब तुम्हें लिख कर देना होगा कि मेरी जीत हो गई है। गौर से सुनना लोगों, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया वो इमाम आजम है। इमाम आजम ने फरमाया तहरिया अगर मेरी कोई मुसीबत हो कम से कम उसको तो सुनोगे, मैं क्या परेशानी में था उसे तो सुनना होगा। तहरिया कहने लगा बोलो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सुनो, मैं आ रहा था, नदी पार करनी पड़ती है, मैं एक कश्ती को देखा, मैंने देखा कोई कश्ती नहीं है वहां, अचानक देखा दो चार तख्ते आ गए और आकर धीरे धीरे वो अपने आप कश्ती बन में तैयार, वो तख्ते तैयार, वो कश्ती में आकर लग गई और वो तख्ते के बाद छुटते छुटते वो कश्ती तैयार हो गई, वो नाव तैयार हो गया और मैं उस पे सवार हुआ। मैंने अजीब मंजर देखा, कोई बनाने वाला नहीं था, कोई सेटिंग करने वाला नहीं था, कोई मिस्त्री तो नहीं था, लेकिन अपने आप तख्ते लगते गए और अपने आप नाव तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। मैं कश्ती पे बैठा, अपना सामान रखा, अपनी किताबें रखा और मैं फिर दरिया पार करके आया हो। दरिया कहने लगा ए मौलाना हमें पागल समझता है। कहा क्यों? कहा के सुनो सुनो, मैं पागल क्यों समझूंगा? कहा के सुनो, बात ये गए कश्ती अपने आप नहीं बनती है, ये अकल कैसे कबूल करे इन बातों को कि तख्ते आ गए, अपने आप आकर लग गए, कश्ती तैयार हो गई, नाव बनकर तैयार हो जाए, ये कहां मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कश्ती तो कोई बनाएगा तब कश्ती बनेगी, नाव को कोई बनाए तब नाव तैयार हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए दहरिया यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये छोटी की कश्ती, ये छोटा सा नाव जब अपने आप नहीं बन सकता, ये कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, इसे कोई बनाने वाला चाहिए। तो जब इतनी कश्ती को, छोटी सी कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला चाहिए, तो इतनी बड़ी जमीन अपने आप कैसे बन सकती है? आसमान अपने आप कैसे बन सकता है? चांद और सूरज अपने आप कैसे बन सकते हैं? बल्कि जमीन को भी बनाने वाला एक सुपर पावर है, आसमान को बनाने वाला भी है, चांद और सूरज को बनाने वाला भी है, और वो बनाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह की जात है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ओ साहिबो, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। आज इमाम आजम अबू हनीफा को लोग भूल गए। साहिबो, हम मुकल्लिद कहलाते गए, मुकल्लिद अगर कहलाते गए, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते गए। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनको 8 लाख हदीसे मुस्तफा की जबानी याद थी, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 13 लाख से ज्यादा मसाइल का इस्तेमाल कर जमाने वालों को दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा कौन? उनके तकवे का जवाब नहीं है, उनके फतवे का जवाब नहीं है, उनके अमाल का जवाब नहीं है। सुनो, वो
वो इमाम आजम अबू हनीफा है। क्या तकवा है। हम अपने आप को कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद। क्या हम सही में मुकल्लिद हैं? क्या हम तकलीद हकीकत में करते हैं? सुनो, वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं जिनको जिनकी तकलीद करके हम मुकल्लिद कहलाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में एक बकरी चोरी हो गई। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, एक बकरी चोरी हो गई। पता चला इमाम आजम अबू हनीफा को, एक फट से पूछा कि ओ लोगों ये बताओ वो बकरी और कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। लोगों ने बताया बकरी की उम्र 10 साल तकरीबन होती है। 2 साल की वो बकरी थी और ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा अगर वो बकरी रहेगी तो 8 साल जिंदा रहेगी। सुनो इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा। इमाम आजम अबू हनीफा ने 8 साल तक बकरी का कोई गोश्त नहीं खाया। 8 साल के बाद खाया। किसी ने पूछा ओ इमाम आजम अबू हनीफा, इन 8 सालों के अंदर आपने तो बकरी का गोश्त नहीं खाया, 8 साल के बाद क्यों खा रहे गए? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ओ लोगों सुनो, मैंने 8 साल तक इसलिए नहीं खाया बकरी का गोश्त कि कहीं कोई चोर 8 साल के अंदर बकरी ज़बह करके कहीं वो गोश्त बिक्री ना करे, वो गोश्त बेचे, कहीं मेरे घर में भी वो बकरी के गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए, इसलिए मैंने गवारा नहीं किया। 8 साल जब गुजर गए अब तो यकीन हो गया अगर ज़बह भी किसी ने ना किया होगा वो बकरी मर गई होगी। 8 साल के बाद तब जाकर मैंने गोश्त खाना शुरू किया है। ओ साहिबों, लेकिन आज चोरों की कमी नहीं है। अगर दुकान के बाहर में अगर लाइट भी लगी हो ना तो इस कौम का नौजवान उस लाइट को भी चुरा लेता है। हाँ हाँ, वो चौक चौराहे पे आदमी मस्जिद से लोटे लेकर चला जाता है, मस्जिद से चप्पल लेकर गायब हो जाता है। कितनी जगह से जलसों से हमारे जूते गायब हो गए। यानी कुछ लोग आते हैं इसलिए ताकि मौलाना बड़ी कीमती जूता पहना होगा, इसी चक्कर में आते हैं कुछ लोग। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, याद रखना चोरी मत करो। चोरी तो वो करता है जिसको जो ना मर्द होता है, जो मर्द होता है वो चोरी नहीं करता है। जिनके अंदर मर्दानगी होती है वो चोरी नहीं करता है, शर्म नहीं आती है। अल्लाह ने हाथ में ताकत बख्शा है, अल्लाह ने पांव को लगड़ा नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया है, हट्टा घट्टा जिस्म बनाया है। सच्ची बताना कोई अपाही चोरी नहीं करता होगा, कोई कमजोर चोरी नहीं करता होगा। चोरी तो हिम्मत वाला और ताकत वाला, अपने आप को बॉडी बिल्डर कहने वाला आदमी चोरी करता है। ओ साहिबो, चोरी मत करो, अल्लाह ने ताकत दिया है तो फिर कमा कर खाओ। और मैं कहना चाहूंगा भैया तजी भाई, लोग चोरी करते हैं कब? ये सामान भी चोरी का खरीदने वाले हमारे मोहल्ले में कम नहीं रहते हैं। ये तो चोरों से कहते हैं भैया इस हफ्ते में फलां को तूने लाकर मोबाइल दिया था, अगले हफ्ते में हमें लाकर दे देना। ये मशीन इस हफ्ते उसे लाकर दिया था, इस हफ्ते हमें मशीन लाकर दे देना। ओ साहिबो, शर्म नहीं आती है। याद रखना जितना वो चोर चोरी करने वाला गुनहगार होगा उतना ही चोरी का सामान खरीद कर उसे चोरी पे उभारने वाला गुनहगार होगा। ओ लोगो, कम खाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन हराम का एक दाना मुंह में ना डाला करो। जरा गौर से सुनना लोगो, बातें तो बहुत सारी है, बातें फैल ना चाहे क्योंकि ये गुफ्तगू का जो वक्त होता है, इस वक्त अपनी कौम को कुछ पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मंत्र की तरफ आता हूँ, लेकिन सुनो प्यारे, मैंने जो बताया कि लोगों अल्लाह ताला कुरान में दुआ सिखाया अपने बंदों को, लोगों दुआ मांगो। ए मालिक, तू मेरा दोस्त बन जा जमीन पर भी और आखिरत में भी मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी मेरा दोस्त बन जा। एक बात सच्ची बताना माँ बहनों, तुम भी ही बताना, आप भी सुनिएगा लोगों, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी चोर का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी डाकू लुच्चे लपंगे से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी वो चुवाड़ी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी शराबी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता। ओ साहिबो सुनो सुनो, हमसे मत पूछो, गौसे आजम से पूछो। गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो, 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, अल्लाह ताला तुझे अपना
जमीन पर भी दोस्त बनाएगा, आखिरत में भी अपना दोस्त बनाएगा। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ये तकरीर का वक्त तो है नहीं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। कितनी खसलतें सुने तकरीर, अब सुने कहा कितनी खसलतें, ऊंचा बोले कितनी खसलतें, जरा प्यार से बोलो। पांच खसलतें अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। कहा पहली खसलत ये पैदा करो लोगों, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की बातों को मानो, माँ बाप को मत सताओ। बड़ी शर्म आती है जब ये सुनने को मिलता है कि एक बेटा वो कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए लुटा देता है। वो बेटा जब उसकी माँ 10 रुपए दवा के लिए मांगती है तो वो बेटा झुंझला कर बात करता है। 2-3 दिन जब वो पैसे दे देता है, कहता ओ माँ मेरे भी तो खर्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, क्या सारे पैसे तेरी दवा पे खर्च कर दूं? ओ साहिब वो शर्म नहीं आती, अरे वो तेरी माँ है माँ, वो तेरा बाप है बाप, तूने माँ बाप को कहाँ जाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ तकरीर सुनो नहीं, कुछ यहाँ से सीख कर जाओ। ओ लोगों, दो लोग ही अगर अमल कर लोगे यकीनन जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। माँ बाप से आज झुंझला कर बात करने वालों, शर्म आनी चाहिए। जब तेरी माँ कहती है 10 बजे रात में तू घर से निकलता है और कहता है के मेरा बेटा ये बता ठंड में रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है, तू झुंझुला कर बूढ़ी माँ से बात करता है और कहता माँ मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी साथी हैं, मैं जाता हूँ देखने के लिए घूमने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बार बार मत टोका करो। तुझे क्या पता है तेरी माँ से जब तू कह कर जाता है कि माँ अभी गया बस अभी आया, वो तेरी माँ 10 बजे रात से इंतजार करती है। रात के 11 बज जाते हैं, तेरी माँ बिस्तर पर करवट बदलती रहती है, तेरा बूढ़ा बाप करवट बदलता रहता है, तेरी माँ इंतजार में रहती है कि पता नहीं इस ठंड में मेरा लाल कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, पता नहीं मेरा सोना लाडला कहाँ होगा। वो माँ है माँ, रात के 11 बज गए तेरी माँ करवटें बदलती रहती है, रात के 12 बज गए तेरी माँ करवटें बदलती रहती है, रात के 1 बज गए धीरे से आकर तेरे बाप से कहती है ओ फला के अप्पू अरे जरा देखिए बेटा कहाँ चला गया है, कहा के गया था 2 मिनट में आता हूँ, 3 घंटे गुजर गए अब तक वो घर नहीं आया है। अब बाप माँ दोनों परेशान होते गए, वो तेरा बाप जिनको चलने की पांव में ताकत नहीं गए, वो तेरा बूढ़ा बाप लाठी का सहारा लेता गए और डंडे का सहारा लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता गए। वो तेरी बूढ़ी माँ कांपते हुए पीछे जाती है कि मेरा बेटा पता नहीं रात के 1 बजे कहाँ गए, रात के 2 बज गए मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गए। इतना जब ख्याल आता है माँ की ममता दिल में ला उठती है। ओ साहिब पूछो हजरत नकीब साहब से, तहजीब भाई से पूछो, ये गुफरान साहब से पूछो, इन उलमाए किराम से पूछो जो 15-15, 20-20 दिन तक सफर में रहते गए। माँ से ज्यादा किसी को घर में फिक्र नहीं होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, अल्लाह की कसम जब मैं बाहर निकलता हूँ 15-15 दिनों तक मैं दौरे पर जब रहता हूँ, सफर में रहता हूँ, 15 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ मेरी माँ की आंखों से आंसू टपक जाते गए और कहने लगती है ओ मेरा बेटा जब से तू घर से बाहर गया गए मेरा लाल, तेरी माँ ने पेट भर कर खाना नहीं खाया गए, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। ओ साहिबो अगर माँ बाप आज जिंदा गए, माँ बाप की कद्र कर लो, अल्लाह की कसम अगर यही माँ दुनिया से चली जाएगी बाप चला जाएगा। अगर माँ बाप जिंदा गए ये तुम्हें टोकते गए आज बुरा लगता है, लेकिन जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे रात के 2 बजे नहीं 3 बजे भोर में भी बारिश के कतरों में भीग कर आएगा, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा, कोई घर में हालत पूछने वाली नहीं होगी। ओ लोगों तू अपनी माँ से माँ की न
ना कदरी करता है। पूछो उनको जिनकी माँ दुनिया में जिंदा नहीं गए, पूछो उनको जिनका बाप दुनिया में जिंदा नहीं गए। अरे खुद मेरे मुस्तफा फरमाते गए कि एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, सहाबा खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। सुने नकीब साहब तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा जब तशरीफ ले गए मस्जिद में, सहाबा इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सरकार रोने लगे, हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई। हुजूर जब रोने लगे आंखें अश्कबार हो गई, सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं, हम लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए गए। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, मैं इसलिए रोता हूँ आज मुझे प्यारी अम्मी की याद आ गई है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो तुम लोग खड़े होते इस्तकबाल के लिए। मेरी माँ कितनी खुश होती, मैं चांद के टुकड़े करता, मेरी माँ कितनी खुश होती, मैं सूरज को पलटाता, मेरी माँ देख कर कितना मुस्कुराती, मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई है। ओ सहाबियों मैं ये सोच रहा हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती, इस दुनिया में होती, हयात ज़ाहिरी से होती, मेरी मैं नमाज पढ़ता रहता मुसल्ले में, मेरी माँ आवाज लगाती, मैं नमाज को तोड़कर छोड़कर मैं चला जाता, माँ की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या एक बंदी की आवाज पे खुदा की बंदगी को छोड़ देते आप। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों तुम्हें क्या पता गए, जब माँ मुस्कुराती गए तो माँ के लहजे में अल्लाह के फरिश्ते झूम जाते गए। जब माँ मुस्कुराती है तो सुनो सुनो अल्लाह की रहमत झूम जाया करती है। ओ साहिबो फैजाने औलिया कौन फरन समय आने वालों, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, माँ बाप के लिए ईसा ने सवाब कर दिया करो, तो 4 रुपए मदरसे में दे दिया करो, 10 रुपए मस्जिद की झोली में डाल दिया करो, रास्ते से गुजरो किसी गरीब को 10 रुपए देकर उसकी मदद कर दो। याद रखना वो माँ बाप तेरे के माँ बाप, अगर तेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है माँ बाप की कदर कर लो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो। जिनकी माँ नाराज हो, जिनके बाप नाराज हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, सुनो सुनो, अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो यहाँ से घर जाना, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है ये पैसे लुटाना तेरे बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है मस्जिद जाना तेरा बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है मजार पे जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। इसलिए लोगों जिनके माँ बाप नाराज है यहाँ से उठ के घर जाना, ये पैगाम लेकर जाओ, बूढ़ी माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर कहना, ओ मेरी माँ हमने जलसे में सुना गए, तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी आखिरत है, तू ही तो मेरी जन्नत है। ओ माँ तू अगर नाराज है मेरा जलसे में रात भर बैठना बेकार है, तू अगर नाराज है मस्जिद जाना बेकार है, तू अगर नाराज है अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। कहना ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपके घर मकान नहीं चाहिए, बल्कि कहना अपनी माँ से, ओ माँ कुछ देना गए तू राजी हो जा, तू अगर राजी हो जाएगी मुस्तफा राजी हो जाएंगे, तू राजी हो जाएगी खुदा राजी हो जाएगा। और माँ के कदमों के लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, माँ के बेटो अगर सच्ची मोहब्बत है सबको बोलना है, सबको दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ लोगों माँ बाप की कदर करो, वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अभी अपने कटिहार इलाके में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट ही में एक गांव में, एक कट्ठा जमीन के चक्कर में एक बेटे ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। अल्लाह
वो बाप पैसा वैसा नहीं किसी बाजार में नहीं जा रहा था, बल्कि हजरत तजीब भाई वो बाप नकीब साहब, वो बाप जो जा रहा था वो जुमा के दिन मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा था। एक कट्ठा जमीन के चक्कर में उसको बेटा घात लगाए बैठा था, चाकू लेकर पीछे से वार किया अपने बाप की गर्दन पे, वो बाप हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। ओ लोगों किसे तुम वफा की उम्मीद रखते हो, किससे? ये दुनिया में कोई वफा के लायक नहीं है। अगर कोई अपने लिए अपने से ज्यादा कोई फिक्रमंद है तो याद रखना तेरी माँ तुझसे ज्यादा फिक्रमंद रहती है, तेरा बाप फिक्रमंद रहता है। क्या जमाना आ गया है, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। हमारे पंचायत में मुखिया जी के बेटे को एक बेटे ने दूसरे बेटे का मर्डर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में ये हमारे पंचायत की बात है, इस बार जो मुखिया जी जीते उस मुखिया का छोटा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को वो चाकू से खोद खोद कर मार दिया। बहुत दिनों तक बहाना बना रहा वो साहिब, कब चले जाओगे दुनिया से? किसी से वफा की उम्मीद मत रखो, इसलिए कि कोई अपना नहीं गए। ऐसा नालायक बेटा होगा जो बाप का मर्डर कर देगा, जो बाप को कत्ल कर देगा, जो बाप को मौत के घाट उतार देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तू तो वही है ना, जब तू रोता था तेरा बाप मचल जाता था, तू जब गिरता था तेरा बाप दौड़ कर आता था, तू जब हॉस्टल से पैसे की फरमाइश करता था तेरा बाप 2 घंटे 8 घंटे के बजाय 2 घंटे ज्यादा रिक्शा चलाता था, 8 घंटे से ज्यादा 2 घंटा और बढ़ाकर ओवर टाइम कुदाल चलाता था। वो कड़कती धूप में सरिया बांधता था, कड़कती धूप में हमने देखा गए तजी भाई कितने मजदूरों को दिल्ली की सरजमीन पर जो 8-8 नहीं 10-10 ईंटे लेकर 20-20 ईंटों को लेकर अपने पुश्त पे रखकर पीठ पे लाद कर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, सिर्फ किस लिए? ताकि उसकी बीवी घर में रानी बन कर रहे, उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल कर ले, उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन तूने यही सिला दिया माँ बाप को, याद रखना अगर माँ बाप नाराज हो गए तो ये मत सोचना कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। नहीं नहीं प्यारे, माँ बाप को राजी कर लो, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, मुस्तफा और रब भी राजी हो जाएगा। घर जाना अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी उकबा है, तू ही मेरी आखिरत है, तू ही मेरे लिए दुनिया की बहार है। अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। शेर पढ़ दूं, इजाजत लोरी गा के मुझे को, वो माँ है माँ जो लोरियां भी गाए तो उनकी लोरियों में बड़ा दर्द होता है, माँ की आवाज में वो मिठास होती है। लोगों मस्जिद के माइक से रमजान के दिनों में सहरी के लिए जो उठाते हैं उनकी आवाज में वो कशिश नहीं होती है, जो माँ की आवाज में जो मोहब्बत टपकती है। माँ जब अपने बेटे को आकर कहती है, दरवाजा ढगढगाती है, ओ मेरा लाडला उठ जा सहरी में, सिर्फ खत्म वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, बेटा अब तो उठ जा जल्दी सहरी खा ले। माँ की सारी ममता यानी मोहब्बत सारी निचोड़ कर रख दो लोगों। कितने लोगों के बाप ने अपनी पीठ की चमड़ी जलाया, कितने बूढ़ों ने रिक्शा चलाया, कितने बूढ़ों ने मजदूरी किया सिर्फ इसलिए ताकि तू जवान होकर उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू नेक बनेगा। सुनो सुनो, माँ की आवाज में बड़ी मिठास होती है, लोरी गाके मुझे को सुलाती है और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। ओ माँ हम कोई से के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझ
मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, असल में मामला ये है कि अब ऐसे वक्त में सब अपने लोग बैठे हैं। खैर चलिए, अगर इजाज़त तो मैं इधर छोड़ देता हूँ, उधर ही चलता हूँ, है ना, क्योंकि वक्त भी हो गया होगा, बहुत सारी बातें बाकी भी रह जाएंगी, गुफ्तगू पूरी भी नहीं होगी, है ना। जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब हुक्म हो रहा है कि हजरत मंतर सुनाइए। अब मैं सुनाई देता हूँ एक दो, हाँ सुना देता हूँ। जरा पूरा मजमा बोलना, एक शेर सुन लो, एक शेर। माँ की जब बात आई है, माँ माँ होती है, बाप का मर्तबा कोई नहीं ले सकता। ओ लोगों सुनना सुनना, बाप माँ अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अपनी माँ से कहना तेरी खिदमत से दुनिया में, ये जितने चेहरे चमक रहे हैं माँ की दुआओं की वजह से, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, माँ से मोहब्बत करना, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, सच बोला करो, दूसरों के अंदर ऐब देखो तो ऐबों पर पर्दा डाला करो, हराम मत खाओ, भूखे रह जाओ लेकिन हलाल हमेशा खाओ, घर वालों को हलाल खिलाओ। ये पांच खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो, हर एक पे बहुत लंबी गुफ्तगू होती लेकिन मैंने शॉर्ट में बयान कर दिया। ये पांच खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, नमाज की पाबंदी करो, सच बोला करो, झूठ मत बोलो, किसी के अंदर कोई ऐप देखो उस ऐप पे पर्दा डाल दो, तू यहाँ उसके ऐप पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी बुराइयों पे पर्दा डाल कर तेरे लिए जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और सुनो पांचवी खसलत ये पैदा करो, हमेशा हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। ओ माँ बहनो, तुम भी भेजा फरमाइश है शौहरों से ना किया करो, तेरा शौहर न जाने गिट्टी पे सो जाता है, तेरा शौहर फुटपाथ पे सो जाता है, सिर्फ इसलिए सोता है ताकि तू घर में रानी बन के रहे, पैसे बचा कर वो उड़ा गए। इसलिए याद रखना, अपने शौहर से भेजा फरमाइश न करना, कहना झोपड़ी में रहकर सब्र कर लूंगी लेकिन हराम का एक दाना मत लाया कीजिए, हलाल लाइए। हमने सुना गए हलाल खाएंगे, दोनों बच्चों को हलाल खिलाएंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो मुस्कुराने के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे। पूरा मजमा सुनो लोगो, ये बुराई जब आम होती है सिर्फ अपने ही यहाँ नहीं, ये देखे मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, ये हाथ में किताब है जिसका मैंने एक दो मंत्र भी पढ़ा गए, ये भागवत गीता मेरे हाथ में गए। सुनना प्यारे, कहाँ गया लोगो, सिर्फ अपने ही समाज में नहीं, जब इतनी कोशिश हो रही है इसका मतलब यहाँ कोई बिरादरे वतन हिंदू सज्जन भी बैठा होगा। इधर सुनो प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है, लोग कहते गए कि ये दुनिया में पर्दों की बात हो रही है, लोग कहते गए मुसलमान ने औरतों को कैद करके रख दिया है, मुसलमानों ने अपनी औरतों को बिल्कुल हक नहीं दिया है। याद रखना, इस्लाम जितना हक देता है औरतों को उतना हक कोई धर्म नहीं देता है। ये औरत है, औरत जब बेटी बनकर रहती है तो घर की इज्जत हुआ करती है, बेटी होती है तो मोहब्बत हुआ करती, बीवी होती है तो मोहब्बत होती है, जब यही बेटी माँ बन जाती है तो इनके कदम के नीचे इस्लाम जन्नत को डाल देता है। सुभान अल्लाह, इतना हक किसी किसी कौम ने नहीं दिया है।
किसी कौम ने नहीं। लेकिन आज लोग पर्दों की बात करते गए, समेट कर रखते हो उनको तो कैद कर दिया गए। आज हमारी मुस्लिम माँ बहने वो भी ये समझती गए, अरे सुनो सुनो ये तो सही कह रहा गए। औरतें भाग, ये हमारी कौम की बेटियां अपने तो अपने दूसरों के साथ भाग कर मुर्तद हो रही गए। ये ऐसा क्यों होता गए, इनको पता ही नहीं गए कि हमारे जो हमारा पर्दा है ये हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। ओ माँ बहनों मर जाना मर जाना, लेकिन बगैर पर्दा के अपने घर से कदम बाहर ना निकालना। क्योंकि ये लोग जो आज तुम्हें कहते गए ये तेरे दोस्त नहीं गए, ये तेरी अच्छाई नहीं सोचते गए, बल्कि ये तुझे नोचना चाहते गए, ये तुझे बर्बाद करना चाहते गए, ये तेरी इज्जत को तार तार करना चाहते गए। सुनो, औरत जितना पर्दे में सिमट कर अच्छी लगती है तो उतनी औरत वो नंगी अच्छी नहीं लगती है। सर खोल कर चले उससे वो औरत लगती है जो चौपट्टा बांध कर चलती है और वो पर्दा होकर चलती है। अपनी तो अपनी किताब है, ये देखो हिंदू धर्म की किताब है, ये भागवत गीता है जो मैंने मंत्र पढ़ा। अधर्मा भी भवत कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रियां। कहा लोगों अधर्म, एक होता है धर्म एक होता है अधर्म। अधर्म कहते जैसे एक होता है स्वस्थ एक होता है अस्वस्थ, यानी एक होता है धर्म एक होता है अधर्म। अधर्मा भी भवत, कहा लोगों अधर्म का माना है बुराई, अधर्म के भी मन ज्यादा भवत मन बहुत। अधर्मा भी भवत कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रियां। कहा ओ लोगों अधर्मा भी भवत, अधर्म अधर्म के भी ज्यादा भवत बहुत। अधर्मा भी भवत अधर्म के बहुत ज्यादा पड़ जाने से कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां। अच्छे घर की औरतें भी प्रदूषित हो जाती है, अच्छे घर की औरतें बिगड़ जाती है। और कहा लोगों स्त्री शू जब औरत बिगड़ती गए दुष्टा शू, तो फिर ऐसा रोग घर में दाखिल हो जाता गए। स्त्री शू दुष्टा शू बाणशने चायते वर्ण शंकरा। कहा के लोगों जब औरत पर्दा हो जाती है, औरत के अंदर बुराई आ जाती है तो उनकी कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, उनकी कई नस्लें तबाह हो जाती है। ओ माँ बहनों हमारे हिंदू सज्जन अगर कोई यहाँ गए मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम सुनो। अगर तुम ये सोचते हो औरतें ऐसे ही घूमे, सुनो सुनो पर्दे का हुक्म तेरी किताब में गए। जब ये किताब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा 90% गैर मुस्लिमों को भागवत गीता नहीं आती है, जबकि उनके यहाँ की ये सबसे ज्यादा पवित्र पुस्तक मानी जाती है। सुनना लोगों इस्लाम अगर कहता है पर्दे में लिपट कर रहो तो याद रखना पर्दे में लिपटने ही में भलाई है। जो कौम की बेटी पर्दे में लिपट कर रहेगी वो दुनिया में माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। और सुनो इसी किताब का एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, ये देखें इस किताब का एक मैंने मंत्र पढ़ा, इसमें लिखा है यो माम चमनाति शवे तिलोक महेश्वरम असम्मूढा समर्तेषु सर्वपापे परमुच्यति। जब हमने इसको पढ़ा कहा के लोगों यो मन चो माम मुझको यो माम चमनाति जो मुझको अजन्मा जानता है। ओ लोगों सुनो जिसने जमीन बनाया जिसने आसमान बनाया कहा के जो मुझे अजन्मा जानता है यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है। जो माम जमना दिन शभेति लोक महेश्वरम असम्मूढा समर्तेषु सर्व पापै है परमुच्यति। कहा के लोगों जो मुझको अजन्मा जानता है जो ये अकीदा रखता है मेरा जन्म नहीं हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी औलाद है, ना मेरा हाथ है, ना मेरा पांव है। ओ लोगों यही तो मेरा अकीदा है, हिंदू की किताब कहती है जो उसको अजन्मा जानता है। जिसने जमीन बनाया जिसने आसमान बनाया जिसने चांदो सूरज बनाया जो मुझको अजन्मा जानता है असम्मूढ़ा
वही शख्स अकलमंद है, वही शख्स दिमाग वाला है, इसके अलावा सब बेवकूफ है। ओ लोगो हमारा तो अकीदा है, अल्लाह का कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सब का खुदाए पाक है, वही हम सब का खुदाए पाक है। इस्लाम ने पैगाम दिया गए, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान गारे, जिस मूरत में जान गारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान, और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान, लोगो उसकी बड़ी है शान। लोगों जब तक जिंदा रहो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करते रहो। अगर तुम अल्लाह के किसी बंदे से प्यार करोगे तो अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। जब तू अल्लाह के किसी बंदे की मदद करेगा, जब तक तू बंदे की मदद में रहेगा, अल्लाह तेरी मदद में रहेगा। तू यहाँ किसी की मदद करेगा, अल्लाह के फरिश्ते तेरे मदद की तेरी मदद के लिए जमीन पर तशरीफ ले आए। इसलिए लोगों जब तक जिंदा रहो, अल्लाह की मखलूक की सेवा करते रहो, दूसरों की खिदमत करते रहो, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अभी मुशायरा होगा, आप भरपूर सुनिएगा, हयात बाकी रही, मुलाकात होगी, पूरा मजमा पढ़ ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।